आज की कहानी है अमीर खुसरो। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी, वे किसी भी विषय पर तुरंत कविता बना देते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। गांव के नुक्कड़ पर एक कुआं था। कुएं पर चार स्त्रियां पानी भर रही थीं। खुसरो उनके पास गए और पानी पिलाने के लिए कहा। उन स्त्रियों ने खुसरो को पहचान लिया। उनमें से एक बोली, ये तो वही खुसरो हैं जो किसी भी विषय पर तुरंत कविता बना देते हैं। उनमें से एक स्त्री ने कहा, पानी तो हम पिला देंगे, लेकिन पहले हमारी मनचाही वस्तु पर कविता सुनानी पड़ेगी। अमीर खुसरो को बहुत प्यास लगी थी, कविता सुनाने पर ही उन्हें पानी मिल सकता था। यह सोचकर खुसरो ने कहा, अच्छा बताओ किस विषय पर कविता सुनाऊं? पहली स्त्री बोली, खीर पर। दूसरी ने कहा, नहीं चरखे पर। तीसरी बोली, नहीं मुझे तो कुत्ते पर सुननी है। चौथी बोली, नहीं मैं तो ढोल पर सुनूंगी। चारों स्त्रियां अपनी अपनी पसंद की कविता सुनने के लिए आपस में लड़ाई करने लगीं। उनको लड़ता देखकर खुसरो बहुत परेशानी में पड़ गए। कुछ सोच कर वे बोले, तुम आपस में मत लड़ो, मैं तुम चारों की मनपसंद कविता सुना देता हूँ। खुसरो ने फौरन कविता सुनाई, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। कविता सुनकर चारों स्त्रियां खुश हो गईं। अमीर खुसरो भी पानी पीकर अपनी राह पर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने ज्ञान की छाप हर जगह छोड़ जाते हैं। बाय।